इज अगेन वेरी हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी है। बस आपको ध्यान ये देना है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो। देखो, अगर आप इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करोगे तब भी आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉस 2x है, तो कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कुछ बनेगा नहीं। और 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, चलो ये तो बन जाएगा टेन स्क्वायर, ठीक है, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, बट फिर भी कॉस 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कुछ नहीं बनेगा, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि आप फिर कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दें, है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 करके आप चेक कर लीजिएगा। जो मुझे अभी समझ में आता है वो ये समझ में आता है, मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँ। कैसे? देखिए, हमको पता है कॉस 2 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फॉर्मूला। कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो या तो आप कॉस 2x की जगह ये पुट कर दीजिए 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या तो आप 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, जो करना कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो कॉस 2x की जगह बच्चों कॉस 2x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस इसकी जगह 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस का 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स तो पहले से ही था, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट, ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान से चेक करो, क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव, 2 साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव गया, कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पर 1 बचा। तो आई इज इक्वल्स टू, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ भाई, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, क्यों, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कि इंटीग्रल क्या होगा, tan x, तो tan x plus c, तो tan x plus c इज योर फाइनल आंसर।